दोस्तों आज से करीब करीब एक साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ये सवाल किया था कि आखिर चीन धरती के अंदर इतना लंबा छेद क्यों कर रहा है, इतना गहरा छेद क्यों कर रहा है। इस वाले वीडियो में मैंने इस वाले चीज को बताया था आज से ठीक एक साल पहले, और आज एक साल बाद फिर से वही सवाल है। लेकिन इस जगह पर चीन नहीं है, इस जगह पर आ चुका है अपना प्यारा भारत। सवाल ये है कि भारत धरती के अंदर इतना गहरा छेद क्यों कर रहा है। क्या आप जानते गाइस कि भारत सरकार धरती के अंदर 20,000 फीट तक छेद करने जा रही है। लेकिन क्यों, चीन क्यों कर रहा था? आज से एक साल पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उस टाइम मैंने इस टाइप का वीडियो बनाना स्टार्ट ही किया था। आप उस वाले वीडियो को जरूर देखिएगा कि आखिर चीन धरती के अंदर इतना गहरा छेद क्यों कर रहा था और अब भारत सरकार धरती के अंदर इतना गहरा छेद क्यों करने जा रही है। आइए इस चीज को जानते हैं इस वाले वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑलरेडी अफेयर्स। गाइस बहुत ही खराब लगता है, मैं भी गुजरात से नहीं हूँ लेकिन महाराष्ट्र के लोग ये बोलते हैं कि भारत में गुजराती का सरकार है, गुजरात का सरकार है, और गुजराती सरकार महाराष्ट्र के सारे प्रोजेक्ट को गुजरात में जाकर के दे दे रही है और महाराष्ट्र गिर जा रहा है, जबकि पूरे भारत का सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र है। फिर भी महाराष्ट्र के लोगों की थिंकिंग ऐसी है। तो मेरे को बताओ फिर इतने खतरनाक प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में आ कहां से रहे हैं? भारत सरकार महाराष्ट्र के अंदर 20,000 फीट की गहराई क्यों कर रही है? भारत का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज महाराष्ट्र में क्यों बनाया गया? भारत का पहला अंडर वाटर रेलवे टनल को क्यों बनाया जा रहा है? भारत का सबसे लंबा शहरी सुरंग को मुंबई में बना करके तैयार क्यों कर लिया गया? भारत सरकार क्यों महाराष्ट्र को ही, मुंबई को ही वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन बनाना चाहती है? भारत सरकार चाहती तो ये सारे प्रोजेक्ट गुजरात को दे सकती थी, लेकिन नहीं। हर राज्य का अपना अपना कैटेगरी है कहाँ पर कौन सा काम होना है। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बना क्योंकि वहाँ उसकी जरूरत थी। आपके राज्य में जो चीज की जरूरत होगी वो आपके राज्य को मिलेगा, और किस राज्य में कौन सा प्रोजेक्ट आएगा इसके ऊपर कई फैक्टर काम करते हैं। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट को गुजरात लेकर के जा रही है तो आपका गलत सोचना है। आप बता दें गाइस कि महाराष्ट्र में 20,000 फीट की गहराई की जा रही है जमीन के अंदर, यानी कि करीब करीब 6 किलोमीटर छेद किया जाएगा धरती के अंदर, जिसमें से 3 किलोमीटर का छेद किया जा चुका है। लेकिन आगे का जो 3 किलोमीटर का छेद है वो बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है। धरती के अंदर छेद करना इतना आसान काम है क्या? आप सीधा धरती के अंदर जाओगे तो मशीन काम करना बंद कर देती है, लोहा पिघलने लगता है क्योंकि टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हो जाता है। मन में सवाल हुआ कि भाई ये सब छोड़ो, ये बताओ ये छेद किया क्यों जा रहा है। अच्छा सवाल है ना। आइए हर एक चीज को समझते हैं बारीकी से कि ये छेद क्यों किया जा रहा है, महाराष्ट्र में क्यों किया जा रहा है। 3 किलोमीटर तक हो गया, आगे 3 किलोमीटर और छेद करने में हमारे इंजीनियर्स को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है। गाइस आपको बता दें कि चीन में और भी गहरे गहरे छेद किए जा रहे हैं। 10,000 फीट वाली गहराई वाली छेद को चीन में किया जा रहा है। लेकिन क्यों, दुनिया पृथ्वी के अंदर होल क्यों करना चाहती है? गाइस अगर सवाल आता है कि वैज्ञानिकों ने धरती को कितना जाना, तो वैज्ञानिकों ने धरती के बारे में बहुत कुछ जाना है, इस पृथ्वी के बारे में, इस अर्थ के बारे में बहुत कुछ जाना है। लेकिन इसमें जो सबसे कम जानने वाला चीज है वो है अर्थक्वेक। भूकंप का ओरिजिन क्या है इसको डीपली अब तक नहीं जाना गया है। अगर बारिश होने वाली है तो 4 दिन पहले ही आपको बता दिया जाएगा कि इस राज्य में बारिश होने वाली है। लेकिन यहाँ पर भूकंप आने वाला है इसका पता हमें 4 दिन पहले कब चलेगा? आपने देखा होगा ना, घर में बैठे हैं भूकंप अचानक से आ जाता है। साइंस के पास कोई जानकारी ही नहीं है कि यहाँ पर भूकंप आने वाला है, क्यों आने वाला है, इसकी कोई डीपली जानकारी नहीं है। भूकंप अचानक से आता है। अगर अचानक से भूकंप ना आता तो नेपाल में जो भूकंप आया था उसमें इतने लोगों की जान नहीं जाती, गुजरात में जो भूकंप आया था उसमें इतने लोगों की जान नहीं जाती, अभी तुर्की में जो इतना बड़ा भूकंप आया था जिसमें कि हजारों लोग मरे थे उन लोगों की जान नहीं जाती। अगर हम जान पाते कि यहाँ पर भूकंप आने वाला है पहले ही हम जगह को खाली करवा देते। तो साइंस के दुनिया में ये काफी एक चैलेंजिंग चीज है कि हम पता नहीं कर पा रहे हैं कि भूकंप कहाँ पर आने वाला है, क्यों आने वाला है, कितना रिक्टर का आने वाला है। जब आता है तब उसको माप के बताते हैं कि हाँ भाई इतना रिक्टर का भूकंप यहाँ पर आया है। पृथ्वी के गर्भ में क्या छुपा है? आज हमने अंतरिक्ष में जाकर के अंतरिक्ष स्टेशन को बना दिया, चांद पर चले गए, मंगल ग्रह पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन धरती के अंदर का क्या? धरती के अंदर भी एक अलग दुनिया है, उस दुनिया में हम कब जाएंगे? समुद्र के अंदर अपनी एक अलग दुनिया है, आपने मूवी वगैरह देखा होगा, उस मूवी का स्टोरी आया कहाँ से? इन्हीं सारी चीजों से आती है स्टोरी। अगर साइंस के द्वारा नहीं खोजा जाता कि अलग अलग ग्रह भी होता है तो फिर एवेंजर्स मूवी कहाँ से बनता? कहाँ से पता चला उनको कि और भी अर्थ है, कई ग्रह है? इन सारी चीजों का पता चलता है साइंस के रिसर्च से। स्पेस में जाना आसान है लेकिन धरती के अंदर जाना आसान नहीं है। इसके लिए साइंटिस्ट अलग अलग कंट्री कई सालों से कोशिश कर रहे हैं। साल 1990 से ही रसिया, यूएस, जर्मनी ये सारे कंट्री धरती के अंदर एक गहरे छेद को करने के लिए जुड़ चुके थे। और अभी एक साल पहले 2023 में, जिसको कि मैंने वीडियो में बताया था कि चाइना भी अब इस वाले लिस्ट में शामिल हो चुका है, चाइना भी धरती के अंदर डीप ड्रिलिंग कर रहा है।
और आज एक साल बाद अब हम ये देख रहे हैं कि भारत भी धरती के अंदर एक गहरे छेद को अंजाम देने जा रहा है। और भारत में किसी को पता भी नहीं है, क्योंकि यह है भारत सरकार का प्लान, हर चीज आपको नहीं बताया जाएगा। चंद्रयान 4 की तैयारी चल रही है, लेकिन मंगल ग्रह का भी तैयारी चल रहा है। जब 50% 70% तैयारी हो जाएगा, उसके बाद ही इसे पब्लिक किया जाता है। तो चीन 10 किलोमीटर गहरा छेद कर रहा है, भारत 6 किलोमीटर गहरा छेद कर रहा है। चीन के द्वारा जो 10 किलोमीटर लंबा छेद किया जा रहा था, उसका क्या हुआ, उसका रिपोर्ट क्या है, उस पर आप कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं भारत के डीप ड्रिलिंग मिशन के बारे में। नॉर्मली आपके माइंड में सवाल होगा कि ये डीप ड्रिलिंग होता क्या है। ये एक बड़ा होल होता है ताकि हम पृथ्वी के क्रस्ट में जा पाएं, एकदम डीप में जाकर के जान पाएं कि वहाँ पर क्या है। इसके लिए हम हर जगह छेद नहीं कर सकते हैं, ऐसे जगह को चुना जाता है जहाँ पर ज्यादा पानी ना हो, कोई तेल वगैरह ना हो, पृथ्वी के अंदर जो लावा वगैरह है कहीं पर वो नहीं मिल जाए। तो कई सारे फैक्टर को जानने के बाद किसी एक पार्टिकुलर जगह को चुना जाता है डीप ड्रिलिंग करने के लिए, और भारत में महाराष्ट्र को चुना गया है पृथ्वी के इतिहास को जानने के लिए। वैसे तो आपको लगता है कि पृथ्वी के बारे में हम लोग सब कुछ जान चुके हैं, अब हमें दूसरे ग्रहों पर जानना चाहिए, लेकिन गाइस रियलिटी तो ये है कि हम पृथ्वी के बारे में जिस जगह पर रह रहे हैं उसके बारे में 10% भी नहीं जानते हैं। जितना जानते हैं उतना बहुत ज्यादा हो गया हमारे लिए, लेकिन अभी भी कई चीजों को जानना बाकी है। इसलिए हर देश पृथ्वी के अंदर इतना गहरा छेद कर रहा है। कई ऐसे साइंटिस्ट हुए, कई ऐसे प्रोजेक्ट हुए जिसमें वैज्ञानिकों ने ट्राई किया कि धरती के अंदर एक ऐसा छेद किया जाए जिसको कि एक ओर से किया जाए दूसरे ओर से निकाल दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जब वो धरती के पूरे गहराई में चले जाते थे तो वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देती थी, छेद हो ही नहीं पाता था। तो उसके बाद वो वाला रिसर्च बंद हो गया, लेकिन अभी भी कई ऐसे देश हैं जो अपने एरिया को जानने के लिए अपने देश में ड्रिलिंग कर रहे हैं, डीप ड्रिलिंग मिशन पर काम कर रहे हैं। तो अर्थ को जानने के लिए भारत सरकार ने एक अलग से लेबोरेटरीज को बनाया है, बोरहोल जियोग्राफिक रिसर्च लेबोरेटरी BGRL। ये आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा। ये पूरा संस्थान, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन, पूरा लेबोरेटरीज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है। आपको बता देगा इसकी ये हमारे देश का इकलौता डीप ड्रिलिंग मिशन प्रोग्राम है। इसके पहले इसके जैसा और कोई कुछ नहीं है। ये वन ऑफ द वन है जिसको के महाराष्ट्र में किया जा रहा है। तो ये है दुनिया, और इस दुनिया में है छोटा सा अपना प्यारा भारत, और प्यारे भारत के अंदर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक जगह है कोनिया, इसी कोनिया रीजन में इस वाले डीप ड्रिलिंग मिशन को किया जा रहा है। महाराष्ट्र के इस कोयना वाले रीजन को इस काम के लिए इसे चुना गया क्योंकि आपने कोयना डैम के बारे में सुना होगा। इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, कोयना डैम के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि 1962 में ही यहाँ पर एक ऑयल रिजर्वायर को बनाया गया था जिसे कि शिवाजी सागर लेक कहा जाता है। कोयना एक रिवर है जो कि कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और इसी पर बनाया गया है कोयना डैम। ये महाराष्ट्र का वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक है, काफी ज्यादा यहाँ पर पानी है, करीबन यहाँ पर 50 किलोमीटर का लेक है झील। तो कहानी में होता यह है कि जब यहाँ पर लेक को बनाया गया तो यहाँ पर काफी सिस्मेटिक चीजों को, एक्टिविटी को देखा गया। यहाँ के जो लोग हैं वो बताते हैं, वो काफी चीजों को फील करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब चीज होती है, सिस्मिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक जैसी चीजें लगातार होती रहती है। और इसी की वजह से इस जगह को चुना गया और यहाँ पर डीप ड्रिलिंग किया जा रहा है। आखिर यहाँ पर है क्या, क्यों यहाँ पर इस तरह की अनएक्सेप्टेबल एक्टिविटीज होती रहती है, अगर यहाँ के अर्थ के अंदर हो क्या रहा है, यहाँ जो रॉक मौजूद है, यहाँ जो क्रस्ट मौजूद है उनका टाइप क्या है। हो सकता है कि कुछ मस्त चीज मिल जाए और भारत फिर से दुनिया में आगे निकल जाए। अभी रिसर्च चल रही है। इस पूरे प्रोजेक्ट को BGRL पायलट बोरहोल बोलते हैं। इसमें 3 किलोमीटर का छेद किया जा चुका है कोयना में। अब अगला मिशन है अगला 3 किलोमीटर का हिस्से को ड्रिल करना, जो काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। देखिएगा इस भारत सरकार फालतू में कहीं भी पैसा बर्बाद नहीं करती है। अगर हम लोग अर्थक्वेक को समझ गए, जान गए, तो हम आने वाले टाइम में अरबों खरबों के जान माल की जो हानि होती है, क्षति होती है, उस सब को रोक सकते हैं। आपने बुर्ज खलीफा ही क्यों नहीं बना दिया, अगर वहाँ पर खतरनाक वाला अर्थक्वेक आ गया बुर्ज खलीफा ढह जाएगा। तो ऐसे केस में हमें अर्थक्वेक को समझना बहुत ही जरूरी है। हम भारत में इतने सारे चीजों का डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमारी इतनी बड़ी आबादी है, अगर अर्थक्वेक आता है कहीं भयानक वाला, जैसा कि गुजरात में आया था, अभी कुछ दिन पहले नेपाल में आया था, तो काफी लोगों की जाने जाती है जिसमें हर एक लोग मासूम होते हैं। तो ऐसा ना हो, इस चीज को समझने के लिए इस वाले डील को किया जा रहा है। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतना आगे है कि धरती के अंदर क्या है देख करके बता देगी, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं होता है। जा करके देखना कि वहाँ पर क्या है, अब पृथ्वी के अंदर झांक करके तो देख नहीं सकते हैं, ड्रिल करना होगा, तभी पता चलेगा कि वहाँ पर आखिर एक्चुअली में हो क्या रहा है, क्या है, क्यों ऐसी एक्टिविटीज यहाँ पर हो रही है। अगर हम लोग इसको जान पाए तो हो सकता है कि ऐसा कोई टेक्नोलॉजी को तैयार किया जाए कि अर्थक्वेक को पहले ही रोक दिया जाए कि नहीं इस वाले रीजन में अर्थक्वेक नहीं आना चाहिए, इसको थोड़ा आगे जा करके निकाला जाए, आखिर पता तो चले कि अर्थक्वेक किन किन रीजन से आ रहा है, कैसे इसको रोका जा सकता है। डीप होल करके, मशीन वगैरह में कैमरा लगा करके, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट सेंसर को लगा करके वहाँ के चीजों के बारे में जाना जाएगा, आखिर नीचे का एनवायरनमेंट क्या है, क्या हो रहा है वहाँ पर। महाराष्ट्र के कोयना में जो डैम है कोयना लेक, जब भी वहाँ पर मानसून आता है तो वहाँ पर लोगों ने फील किया है, जब लेक में पानी भरना स्टार्ट होता है तो उसके वजह से पृथ्वी पर प्रेशर पड़ता होगा, और उस टाइम वहाँ पर सिस्मिक एक्टिविटीज काफी ज्यादा बढ़ जाती है, लोगों को डर लगने लगता है कहीं कुछ हो ना जाए।
और फिर जैसे ही मानसून का दौर खत्म होता है इस तरह की सिस्मिक एक्टिविटीज होना बंद हो जाती है। तो आखिर ये माजरा क्या है? तो कई सारे रीजन के वजह से इस वाले एरिया में ड्रिल किया जा रहा है, लेकिन ड्रिल करना इतना आसान काम है क्या? धरती के अंदर 3 किलोमीटर छेद करना ये इतना आसान काम नहीं है, लेकिन हमने 3 किलोमीटर छेद कर दिया है, लेकिन आगे का जो 3 किलोमीटर का छेद है वो काफी डिफिकल्ट रहने वाला है। जब भारत इस तरह के खतरनाक मिशन को अंजाम देगा तो इसमें हमें कई सारे नए नए इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी जो कि दुनिया में मौजूद नहीं होगी। इस तरह के खतरनाक इक्विपमेंट को हम लोग बनाएंगे कि यहाँ पर लोग ड्रिल कर रहे हैं, ये मशीन काम नहीं कर रहा है, मशीनें गल जा रहा है, इतना ज्यादा वहाँ पर तापमान है, मैग्मा आ गया, तो कई सारे चैलेंजेस को हम लोग फेस करेंगे। और जब हम लोग इन सारे चैलेंजेस को फेस करके किसी रिजल्ट पर जाएंगे तो उस टाइम हम लोग बहुत कुछ सीख चुके होंगे। 3 किलोमीटर तक हमने ड्रिल कर लिया है और 6 किलोमीटर ड्रिल किया जाएगा, 3 किलोमीटर, फिर और 3 किलोमीटर, उसके बाद और 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर तक हमने नॉर्मल मशीन से ड्रिल कर लिया। अब यहाँ पर इस ड्रिल मशीन को, इसके फंक्शन को पूरा चेंज किया जाएगा और एक नया इक्विपमेंट, नया टेक्नोलॉजी तैयार किया जाएगा, उसके जरिए आगे का 3 किलोमीटर का क्षेत्र किया जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग गहराई में जा रहे हैं, पृथ्वी के अर्थ का जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। हमारे वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि आने वाले 1 से 1.5 साल में और 6 किलोमीटर का ड्रिलिंग हो जाएगा। इसके लिए काफी स्पेशल टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, स्पेशल स्किल पर्सन का यूज किया जा रहा है। अब तक 3 किलोमीटर छेद करने से साइंटिस्टों को क्या क्या पता चला? साइंटिस्टों ने बताया कि पृथ्वी के अंदर 1.2 किलोमीटर का जो लेंथ है, ठीक है, वो 65 मिलियन ईयर पुराना है, जो कि एक लावा फ्लो है, लावा से बना है। जब एक ज्वालामुखी फटता है तो लावा निकलता है, तो वहाँ पर पृथ्वी के ऊपर का जो 1.2 किलोमीटर का जो ठीक है वो इसी ज्वालामुखी वाले लावा से बना है जो कि 65 मिलियन ईयर पुराना है, और उसके नीचे का जो चीज है वो करीब करीब 2500 से 2700 मिलियन साल पुराना है, ग्रेनाइट बेसमेंट रॉक है। साइंटिस्ट के द्वारा एक और चीज बताया गया कि धरती के 3 किलोमीटर नीचे तक पानी पहुंच रहा है, वहाँ पर भी पानी का प्रेजेंस पाया गया है, अदरवाइज पानी का जो लेयर है वो एक लेयर तक जाकर के खत्म हो जाता है। पृथ्वी के कुछ ऊपर भाग में ही 1 से 2 किलोमीटर के रीजन में पानी रहता है, उसके बाद फिर अलग अलग चट्टाने आती है, लेकिन 3 किलोमीटर के अंदर भी पानी पाया जा रहा है। इसके अलावा 3 किलोमीटर तक छेद करने के बाद ये भी पता चला है कि ये जो कोयना वाला एरिया है ये ज्यादा भार को नहीं सह पाएगा, इसके वजह से यहाँ पर सिस्मेटिक चीजें भी हो रही है कि पानी ज्यादा पड़ता है तो भार ज्यादा हो जाता है, जिसके वजह से कई सारी अल्टरनेटिव रिएक्शन वगैरह होता है। तो ये चीज भी यहाँ पर पता चला कि ये जो पूरा एरिया है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, काफी कमजोर है। आगे का जो 6 किलोमीटर का ड्रिलिंग है इसके दौरान बताया जा रहा है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 110 डिग्री से 130 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला है, यानी कि हमें ऐसे इक्विपमेंट को वहाँ भेजना होगा जो कि 200-300 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को सहन कर सके, गले नहीं पिघले नहीं। तो इस प्रकार के इक्विपमेंट को भी तैयार किया जा रहा है। इन सारे इक्विपमेंट को भारत में ही बनाया जा रहा है, बनाने के बाद फिर से आगे का काम स्टार्ट होगा। आपको बता देगा इसके भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर अलग अलग 20 साइंटिस्ट की टीम को, अलग अलग ग्रुप को लगाया गया है, वो अलग अलग चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं। कोई पानी पर रिसर्च कर रहा है, कोई वहाँ के टेम्परेचर पर रिसर्च कर रहा है, कोई वहाँ के एनवायरमेंट पर रिसर्च कर रहा है, कोई वहाँ से आने वाले एयर पर रिसर्च कर रहा है, कोई वहाँ पर ग्रेविटी पर रिसर्च कर रहा है। कई तरह की अलग अलग रिसर्च टीम होती है जो अलग अलग काम में स्पेशलिस्ट होती है, वही इन चीजों का रिसर्च करती है। इसके अलावा भारत के द्वारा अब तक जो भी डाटा को कलेक्ट किया गया है, इंटरनेशनल जियोलॉजिकल रिसर्च के द्वारा कहा गया है कि आप हमें इस डाटे को शेयर कीजिए ताकि हम लोग भी इस पर स्टडी कर पाए और धरती के अंदर के चीजों के बारे में जान पाए। तो कैसे भारत सरकार का न सिर्फ भारत बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए काफी इम्पोर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। हम जितना ज्यादा धरती के अंदर के बारे में जान पाएंगे उतना ज्यादा हम लोगों के लिए अच्छी चीजों को अवेलेबल करवा पाएंगे। पृथ्वी में अभी कई सारे रहस्य हैं और इन सारे रहस्य को छोड़ करके हम लोग अंतरिक्ष में भाग रहे हैं। हमारे पास खुद में बहुत सारा खजाना है, हम उसको जान ही नहीं पाते हैं, लेकिन अब भारत सरकार इन सारी चीजों में भी पैसा लगा रही है, साइंटिस्टों को पैसा दे रही है। पहले क्या होता था कि साइंटिस्टों को पैसा ही नहीं मिलता था, इसरो को अच्छा खासा बजट नहीं मिलेगा तो इसरो कहां से चांद पर और मंगल पर जाएगा। ठीक वैसे ही समुद्र के अंदर अलग साइंटिस्ट काम करते हैं, धरती के अंदर के लिए अलग अलग साइंटिस्ट काम करते हैं। हर साइंटिस्ट को भारत सरकार को बजट देना होगा और भारत सरकार बजट दे रही है, जिसकी वजह से ये परिणाम हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर भी काम हो रहा है। बाकी इस वाले प्रोजेक्ट को लेकर के कोई बड़ी अपडेट सामने आती है तो उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। आई थिंक गाइस आपको ये एपिसोड, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि भारत में न सिर्फ मंदिर वगैरह बनाया जा रहा है, न सिर्फ एक्सप्रेसवे हाईवे बनाया जा रहा है, न सिर्फ चांद पर जाया जा रहा है, बल्कि और भी कई सारी चीजें किया जा रहा है जो कि आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेगा, मिलते रहेगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।